गिरिडीह और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बोकारो का भी हिस्सा पड़ता है। चंदन क्यारी, कोमिया, बेरमो के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। यही तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है और ऐसे में सुरक्षा की भी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद देखने को मिली। महापर्व और आज वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यह सभी मतदान कर्मी गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जो कि गिरिडीह में पड़ता है और बेरमो विधानसभा भी है। और धनबाद लोकसभा की हम बात करें तो बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा है। यहां पर कुल अगर हम बात करें तो कुल बूथों की संख्या लगभग 1596 है और वही जो मतदान कर्मी 6956 मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए जा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव है आप लोगों को, देश के महापर्व में सहभागिता मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, हम लोग पूरे जोश से जा रहे हैं। मेरा गोमिया में, गोमिया पड़ा है गिरिडीह लोकसभा में। आप बताइए, हम लोग को अच्छा लग रहा है। अभी तो समय समय होता ही रहता है, हम लोग को जाना है वहाँ। अच्छा से निष्पक्ष चुनाव करा जाना है, शांतिपूर्ण से प्रसिद्ध मशीन जमा करना है। फिर क्या कहेंगे आप? बहुत ही ये महापर्व है, हम लोग बहुत उमंग के साथ जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सरकार की ये मनोभावना और अच्छी तरह से हम लोग इसको पार करें। इसी ईवीएम मशीन में जो यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हैं, उनकी कल किस्मत का जो है ठिकाना में बंद होगा और लोगों का भाग का फैसला होगा। ये 25 मई को बोकारो और 25 मई को धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में यहाँ पर मतदान होना है। इसी की तैयारी में आज सेक्टर 8 बी डिस्पैच सेंटर से सभी लोग जा रहे हैं। मतदान सेंटर है, जिस तरह से दिखा जा रहा है कि जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के कर्मियों को पहले भेजा जा रहा है, किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर है? वहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हम लोगों ने 3 दिन पहले उनका आवासन हो गया है और ऑलरेडी वहाँ पे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट है उनको भी ब्रीफ किया गया है। जोनल मैजिस्ट्रेट वहाँ पे दिए गए हैं, पर्याप्त पुलिस बल है और जो मतदान कर्मी है वो बहुत सुरक्षित जगह पे रहने वाले हैं। चलिए, ये थी बोकारो की उपायुक्त, इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो चुनाव संबंधित सारी तैयारियां कर ली गई है और डिस्पैच सेंटर से यहाँ लोगों को भेजा जा रहा है। सुरेंद्र, न्यूज 11 भारत के लिए बोकारो से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।